इसके बाद हम निकल पड़े पटवा हवेली देखने के लिए। तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपको किसी स्कैम में नहीं फंसना है, और अगर आपको ये सारी हवेली देखनी है तो आप वॉकिंग आराम से देख सकते हैं। ये जो टोटल हवेली है ये 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। दस से 15 मिनट के वॉक के बाद हम लोग पहुंच गए थे पटवा हवेली। पटवा हवेली के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे इंदिरा गांधी आई थी 1953 में, और उनको ये महल इतना पसंद आ गया था कि जब 1977 का इमरजेंसी लगा था तो उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कर लिया। ये जो हवेली थी ये घुमन चंद पटवा जी की थी, और उन्होंने अपने 5 बेटे के लिए 5 हवेली बनाई। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे तो 5 हवेली को बनने में 60 साल लगे। फिर मैं अपने गाइड के साथ निकल गया बाकी के 4 हवेली देखने के लिए। एक हवेली में इनके ये 3 भाई रहते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल। उस जमाने में लगे सेठ थे और आज ये अपने जैसे हैं। एक के बाजार में दुकान और एक ट्रांसफर है और एक अपने जीवन बीमा का एजेंट है। ये पूरा ही जो छत है सोने का, ये लास्ट 5 हवेलियाँ कुल ये गवर्नमेंट के पास है। अभी इसकी 2 साल पहले पूरा सफाई हुआ। तैयार हुई, इसको देख के इन्होंने बनाई। इसमें क्या है, मशीन का काम है, ये हाथ का काम है। तो इसको भी 10 साल लगे और उस टाइम इनके करीबन 80 लाख रुपए लगे। आज इनको 5 करोड़ दाम है, लेकिन ये नहीं बेच रहे। इनका क्या है, मद्रास में सूरत में साड़ियों का काम है। हमारे यहाँ बीजेपी के नगर अध्यक्ष थे रावतमल जी, सावल के भाई है ये छोटे। ये अपने रेखा देवी केस की मदद सामा, ये हरसाई गाँव है, वहाँ के रहने वाले हैं इसमें जीवन। और इसके इसका 70 के है देख रहा। अब अपन चलेंगे नथमल हवेली। तो पटवा हवेली देखने के बाद हम लोग निकल पड़े नथमल हवेली देखने के लिए। इस हवेली की जो खासियत वो ये है कि इसको 2 भाई ने मिलके बनाया था। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुंबद बीच में है इससे अगर आप राइट में देखेंगे तो एक भाई की कारीगरी है, और लेफ्ट में देखेंगे तो दूसरे भाई की। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों ने अपने हिसाब से बनाया था। तो हवेली देखने के बाद हम चल पड़े अपने फाइनल साइट सीन पे जो कि था मंदिर पैलेस, जहाँ पे राजा रहते हैं। तो इसकी जो टिकट थी वो 190 रुपये की थी, जिसमें 160 रुपये टिकट का था और 30 रुपये मोबाइल यूज़ करने का। इसमें जो है वो 2 चीज़ें हैं जहां आप जा सकते हैं, एक तो है म्यूज़ियम और एक है राजा की गैलरी। तो ये गैलरी का एंट्री पॉइंट था, मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ली जाए क्योंकि व्यू बहुत प्यारा था यहाँ से। तो 3 नाम से जाना जाता, मंदिर पैलेस, ताजिया टावर और बादल विलास। तो कुछ वीडियो शूट करने के बाद हम लोग चल पड़े राजा की गैलरी देखने के लिए। ये परदादा जी अभी जो राजा के, इनके जब आप ऐसे घूमेंगे ना, इनके आपके साथ साथ इनकी आंखें घूमेंगी और साथ साथ एक जूते भी घूमेंगे। ये खासियत है। Thank you.
जयपुर सिटी की साइट सीइंग करने के बाद हमें पहुंच को अपने हॉस्टल पे, अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे कैमल सफारी के लिए। जहाँ मैंने होटल लिया है उसके आसपास का जो पूरा कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है टोटली हेरिटेज के हिसाब से किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप जैसलमेर आए हैं और कैमल सफारी नहीं करी तो आपका जैसलमेर का सफ़र अधूरा रह जाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ कैमल सफारी का पता करने के लिए। मैंने जो रफ आइडिया देखा था वो ये देखा था कि 1400 से 1500 रुपये लग रहे हैं अगर आप सोलो जा रहे हैं, तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ये 1200 हज़ार तक पड़ सकता है। तो चलिए पता करते हैं।